ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपको ये पांच लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हैं। भगवान शिव की कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। तो वो पांच लक्षण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। भगवान शिव देवादिदेव महादेव देवताओं के भी देवता हैं, ईश्वरो के भी ईश्वर हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति करने से मुक्ति मनुष्य के हाथ आ जाती है। जितने भी देवता हैं वो सभी आपको आपके मनचाही इच्छाएं, आपको मनचाहा जो भी धन दौलत ऐसो आराम चाहिए सब कुछ प्रदान आपको कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान का जो दायित्व है वह भगवान शिव का है। मुक्ति भगवान शिव के हाथ में है। तो यदि आप भगवान शिव की श्रद्धा विश्वास और निष्ठा नियम के साथ भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो मुक्ति आपको अवश्य मिल जाती है, क्योंकि भगवान शिव के पास एक ऐसी चीज है जो कि केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, वो होती है मुक्ति। तो आप मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बाकी देवताओं की भक्ति करने से आपको अन्य चीजें तो प्राप्त हो जाएंगी सांसारिक, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरा कि ऐसा साधक जो भगवान शिव की भक्ति निष्ठा नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ करता है वह दूसरों को भावों को आसानी से जान लेता है। वह सामने आने वाले व्यक्ति के भावों को तुरंत समझ जाता है कि ये किस भाव से तेरे पास आया है, इसका कैसा स्वभाव है और ये तेरे लिए हितकर है या अहितकर है। ऐसा साधक जो भगवान शिव की भक्ति निष्ठा नियम से करता है वह दूसरों के भावों को जानने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और तीसरा लक्षण होता है, तीसरा फायदा, तीसरा जो गुण है भगवान शिव की भक्ति करने का, वो ये है कि भगवान शिव की एक अकेले भगवान शिव की भक्ति करने से समस्त देवताओं की भक्ति हो जाती है। आपको अन्य किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो भगवान शिव की भक्ति से ही आपके बाकी सभी देवताओं की अनुकंपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अपने आप ही सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है, क्योंकि ईश्वर के ईश्वर महादेव हैं। जो महादेव का जो भक्त है उसे अन्य किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अन्य देवताओं की भक्ति ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान शिव की भक्ति करने से ही बस बाकी सभी देवताओं की भक्ति, एक भक्ति करने से सभी की भक्ति हो जाती है, क्योंकि स्वयं देवादिदेव महादेव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनकी शरण में गया हुआ साधक को अन्य किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और चौथा लक्षण होता है, ऐसा साधक जो भगवान शिव की भक्ति करता हो उसे वैराग्य प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, वह सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता, एकांत में अपने आप को रहना पसंद करता है और उसे सांसारिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा वैराग्य हो जाता है। केवल और केवल उसे भक्ति से मन लगता है, बाकी सब चीज़ें उसे एक तुच्छ मिटने वाली वस्तु के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्त के अंदर वैराग्य अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं वैराग्य के देवता हैं। ऐसे यो ही लक्षण उसके साधक उसके भक्त के अंदर आते हैं, तो वैराग्य का लक्षण भगवान शिव के भक्तों में देखने का वो मिलता है, यह गुण उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है। और पांचवा होता है कि ऐसा साधक जो भगवान शिव की निष्ठा नियम से भक्ति करता है उसके ऊपर सभी ग्रह मेहरबान रहते हैं। उसके विपरीत कोई सा भी ग्रह नहीं चलता, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता जो उसे अनिष्ट करना चाहता हो या कोई भी ग्रह उसको पीड़ित नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को शनि कभी भी परेशान नहीं करता, शनि देव राहु केतु कोई सा भी ग्रह कभी भी परेशान नहीं कर सकता, उल्टा उसको उसकी सहायता करते हैं जो भगवान शिव का भक्त होता है, क्योंकि सभी ग्रह भी भगवान शिव के अनुचर हैं। भगवान शिव की का जो साधक है, भगवान शिव की जो भक्ति करता है उसको अन्य किसी ग्रह की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, समस्त ग्रह उसके अनुकूल रहते हैं। तो एक को पूजने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आप भी निष्ठा नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भगवान शिव को शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के निमित्त किया गया थोड़ा सा कर्म भी अक्षय हो जाता है, थोड़ा सा किया गया पूजा पाठ भी अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति प्रत्येक साधक को अवश्य करनी चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।